हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो सीरीज है, टॉपिक ऑफ द डे सीरीज का वर्जन 2 हम पढ़ रहे थे और आज का एपिसोड नंबर है 3। तो जल्दी से जितने भी लोग लाइव हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए और अपनी प्रेजेंस शो कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनसे बताना चाहूंगा कि इस सीरीज के एपिसोड, 2 एपिसोड ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए थे और इस सीरीज के क्वालिटी है, यानी इस टॉपिक ऑफ द डे सीरीज में हम एक टॉपिक लेते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिलेवेंट बन सकते हैं या फिर आए हुए, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यानी टॉपिक होगा, उसकी जितनी भी डिटेल्स है, कंप्लीट डिटेल उनके बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए आज। और क्लास स्टार्ट करने से पहले, जो स्टूडेंट सीपीसीटी दिसंबर 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो बीएसआई एकेडमी लॉन्चर स्पेशल बैच, दैट इज संकल्प बैच, इस बैच में रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो इन स्टूडेंट ने सीपीसीटी कर लिया है क्वालिफाई, तो अब है सक्सेस होने की बारी। बीएसआई एकेडमी लॉन्चर मंजिल बैच, इस बैच में उन सारे एग्जाम का कंप्यूटर कराया जाएगा, चाहे तो हाई कोर्ट ले लो, एएसआई, एलडीसी, एमपी, जो एसआई स्टैन होता है, ग्रेट टू, मतलब जहां पर भी कंप्यूटर आएगा, पटवारी एग्जाम, उन सारे एग्जाम का कंप्यूटर हम इस बैच में कवर करेंगे। तो जिस बैच में आप इंटरेस्टेड हो, उस बैच को इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीधे लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक को फॉलो कर सकते हैं। या फिर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, टेलीग्राम है, वहां से आप पर्सनली मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ऑफ द डे सीरीज का वर्जन 2 और आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 3। और इस एपिसोड में जो टॉपिक रहेगा, ईमेल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी ईमेल की कंप्लीट थ्योरी होगी और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, उन सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो तैयार हो जाइए, सीरीज करते हैं स्टार्ट। और पहला, जैसे टॉपिक आपने सुना, टॉपिक के सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो क्रिएट होता है, जैसे हर एपिसोड में हो रहा था कि सर ये ईमेल या फिर ये जो टर्म आप पढ़ा रहे हो, आखिर होता क्या है। शॉर्ट वे में, यानी ब्रीफ से ब्रीफ डेफिनेशन में डिफाइन करेंगे, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें इस टॉपिक में देखनी है। तो ब्रीफ होगा तभी बेस्ट होगा। तो ब्रीफ अगर मैं डिफाइन करूं, इसके फुल फॉर्म से इसकी डेफिनेशन क्रिएट होती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप ईमेल का यूज करते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। आगे अगर और डिफाइन करें तो ईमेल का जो यूज होता है, उसे मेल को सेंड और रिसीव दोनों वे में कर सकते हो आप। यानी अगर आपको मेल करना है, मेल भेजना है, तो सेंड होगा। अगर आपको रिसीव करना है तो आप रिसीव भी करा सकते हो। दोनों वे में हम ईमेल का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है और जो ईमेल आईडी होती है वो नो केस सेंसिटिव होता है। अब आपके माइंड में यहां से एक और नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, सर ये केस सेंसिटिव क्या होता है, अगर आप ये मुझे बता दो तो कहीं ना कहीं ये पासवर्ड और आईडी को हम समझ लेंगे। यानी केस सेंसिटिव की अगर मैं ब्रीफ में डेफिनेशन डिफाइन करूं, यानी जैसा लिखा है जैसा, उसी फॉर्म में होना चाहिए आपका। जैसे अगर आपने कोई चीज कैपिटल लिखी है तो कैपिटल ही होगा, अगर आपने स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही होगा। यानी केस सेंसिटिव पासवर्ड होता है। अगर आपने पासवर्ड में कोई कैरेक्टर कैपिटल लिखा है और अगर आप स्मॉल टाइप करते हो तो पासवर्ड इनवैलिड, रॉन्ग बताया जाएगा, क्योंकि पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। जैसे आपने एमएस वर्ड में 5 केस पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, चेंज केस पढ़े हैं 5, इन 5 केस में ये जो केस है, यानी सेंटेंस क्या, केस क्या होता है, यानी जो सेंटेंस होता है उसके पहले कैरेक्टर, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल, लोअर केस, आप सभी को पता है सारे कैरेक्टर स्मॉल रहेंगे, अपर केस लोअर केस का अपोजिट होता है। यानी पूरे पैराग्राफ, पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे सेंटेंस में सभी कैरेक्टर आपके कैपिटल हो जाएंगे, कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, टॉगल केस कैपिटल ईच वर्ड का अपोजिट होता है, यानी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल होगा, बाकी सारे कैपिटल होते हैं। ये होते हैं केस। केस मतलब जैसा बोला गया है वैसा ही होगा।
सेंसिटिव मतलब वो सेंस जो आपको शेयर किसी की मतलब जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो आई थिंक आपको के सेंसिटिव चीज समझ में आ गई होगी, जैसा आपने लिखा है कोई कैरेक्टर कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, इसके मैं ऊपर सेपरेट लेक्चर अगर आपको लगता है बना दूंगा कि के सेंसिटिव में कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे आपका यूजर नेम है वो के सेंसिटिव नहीं होता, आप यूजर नेम आप स्मॉल में रखिए कैपिटल में रखिए नो मैटर, लेकिन पासवर्ड के सेंसिटिव होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कैप्चा जो आप पढ़ते हो ना, कैप्चा के सेंसिटिव में भी आ सकता है, क्योंकि कैप्चा जैसा दिखता है ना वैसा ही आपको लिखना पड़ता है। चलिए अब ईमेल के इन्वेंटर कौन है, तो रे टॉम लियोनसन है जिन्होंने 1971 में ईमेल की इन्वेंशन किया था, नेटवर्क ईमेल का। वैसे ईमेल का इन्वेंशन पहले भी आपको मिल सकता है, लेकिन री टॉम लियोनसन ने कब किया था, 1971 में किया था, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बेस पर ईमेल का इन्वेंशन किया था, इसीलिए इनका इन्वेंशन ईमेल के लिए पहले माना जाता है, क्लियर है। और कौन कौन सी ईमेल कंपनियां हैं जो ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जैसे आपकी जीमेल हो गई, आपका याहू मेल हो गया, आपका आउटलुक हो गया, बहुत सारे हैं, मतलब आउटलुक जो आपका रेडिफ हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ईमेल की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, आप यूज भी करते होंगे। चलिए आगे चलते हैं, ईमेल के पार्ट समझते हैं कि जो ईमेल एड्रेस होता है आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा है bsiacademy@gmail.com, तो यहाँ पर दो पार्ट है इस ईमेल में, दो पार्ट को डिवाइड कौन कर रहा है, ये एट द रेट साइन है, जो एट द रेट साइन है ये आपको क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यार, ईमेल में कौन सा सिंबल यूज होता है, तो एट द रेट होता है जो लोकल पार्ट और डोमेन पार्ट को सेपरेट करता है, यानी डिफाइन करना हो तो लोकल पार्ट क्या है जो आपने डिफाइन किया है, और जिसका आप सर्वर यूज कर रहे हो उसका डोमेन पार्ट कौन सा है। जैसे bsiacademy लोकल पार्ट हो गया और gmail.com आपका मेल सर्वर हो गया जिसका आप डोमेन यूज कर रहे हो, क्लियर है, इतना ही समझना है। साथ ही साथ में एक और चीज है, जब आप हमारी वेबसाइट पर साइन अप करते हो या कहीं पर भी साइन अप करते हो, तो हर 3 से 4 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस जरूर होती है कि सर हम साइन अप नहीं कर पा रहे हैं, साइन अप ना करने के रीजन होते हैं, यानी पासवर्ड आप स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड क्रिएट नहीं कर रहे। आजकल जितनी भी वेबसाइट है जिन पर अगर पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड की बोलते हैं, बिना स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड वो क्रिएट नहीं हो सकता अकाउंट, वो हिंट भी करते हैं, यानी जब आप पासवर्ड क्रिएट करें उसमें एक अल्फाबेट यूज करो, कैपिटल और अपर केस और लोअर केस, एक नंबर आपको रखना है, एक सिंबल, यानी 3 चीजें से मिलके पासवर्ड बनाना है। काफी जगह 3 मिल जाएगा, काफी जगह 4 मिल जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल में 2 होते हैं, यानी अपर केस भी होना चाहिए लोअर केस भी होना चाहिए। जैसे मैं एक पासवर्ड क्रिएट करने की, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड किसे माना जाता है, जिसमें एक कैरेक्टर अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक नंबर, एक किसी भी मतलब किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं, रैंडम कलेक्शन आप ले सकते हो, यानी पहले नंबर फिर सिंबल या पहले कैरेक्टर, जो भी आप लेना चाहो। जैसे ईमेल टर्म को ही ले लेते हैं, जैसे ईमेल में ई बनाओ, एम कैपिटल बना दो, एम कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, यहाँ पे मैं एक एट द रेट लगा दूं और नंबर लगा दूं, जैसे नंबर लगाया मैंने 50, ये नंबर आपका बन गया, ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड। साथ ही साथ में मिनिमम पासवर्ड में जो कैरेक्टर यूज किए जाते हैं वो 8 कैरेक्टर रहते हैं, कितने 8, ध्यान रखना इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 8 कैरेक्टर मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे होगा, यही कारण है क्योंकि जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, केस सेंसिटिव में अभी हमने पढ़ा था, क्लियर है। अब जिस ईमेल कंपनी का, जिस मेल सर्वर का आप सबसे ज्यादा ईमेल यूज करते हो उसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो है जीमेल। तो जीमेल को हम डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो समथिंग 2 से 3 लेक्चर हो जाएंगे, लेकिन मैंने जीमेल के टर्म्स रखे हैं, अगर वो टर्म्स आपकी समझ में आ गए तो जीमेल पूरा आप समझ जाओगे। तो वो कौन कौन से टर्म है, जैसे पहला रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट्स यानी प्राप्तकर्ता, जिसे आप ईमेल भेज रहे हो वो कौन होगा। तो रेसिपिएंट अगर आप देखोगे जीमेल में जाके तो 3 टाइप के रेसिपिएंट होते हैं, एक तो टू होता है, मैं लिख देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, एक तो टू होता है, सीसी होता है और बीसीसी होता है। 3 प्रकार के रेसिपिएंट पढ़ोगे, टू यानी प्राइमरी रेसिपिएंट होगा, सी यानी जिसको आपको कार्बन कॉपी भेजनी, इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, सीसी फॉर कार्बन कॉपी, बीसीसी फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब
जो कंफ्यूज क्रिएट करेगा वो होता है बीसीसी वाला। यानी आप सभी को पता है कि जो टू और सीसी में जो आप अकाउंट रखोगे, जो अकाउंट आप एड्रेस डालोगे वहां पर दोनों को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉफी में आप डिफाइन नहीं कर सकते। ब्लाइंड कार्बन कॉफी में यानी बीसीसी में जितने भी ईमेल्स रखे जाते हैं, जैसे टू में सपोज आपने 5 मेंबर के ईमेल डाले, पांचों को मेल कर दिया, तो उन पांचों मेंबर्स को पता होगा कि मेरे अलावा 4 मेंबर कौन है। सीसी में भी यही हाल है, यानी सीसी में डालोगे तो खुद डिफाइन हो जाएगा, लेकिन बीसीसी में ऐसा नहीं होता। बीसीसी में अगर 5 मेंबर आपने डाले हैं तो पांचों के पास सेपरेट मेल जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपके किस किस व्यक्ति को मेल भेजा गया है। क्लियर है, समझ में आ गया? यानी ब्लाइंड, ब्लाइंड समझते हो ना, अंधा, जिसको दिखाई देखा ही नहीं जा सके, दिखता ही नहीं है, तो ब्लाइंड यहां से समझ सकते हो। ये भी टर्म आप डेफिनेशन के लिए यूज कर सकते हो। यानी बीसीसी में जितने भी अकाउंट डाले जाएंगे वो आपस में नहीं देख सकते किस किस को इनवाइट, किस किस को ये मेल गया है। तो रेसिपिएंट टर्म समझ में आ गया होगा, इतना नहीं आया तो एक बार फिर से सुनना, फिर समझ में आ जाएगा। सेंडर यानी जो ईमेल भेजता है उसे हम सेंडर बोलते हैं। नेक्स्ट है इनबॉक्स। इनबॉक्स वो प्लेस होता है जहां पर आपके आए हुए मेल, जो जैसे आपने, आपको किसी पर्सन, किसी कंपनीज ने जो मेल भेजा है वो इनबॉक्स में आता है। इनबॉक्स की भी कैटेगरी है जो टैब के फॉर्मेट डिफाइन होती है। जैसे पहला आपने जब जीमेल ओपन करते होगे तो डिफॉल्ट रूप से 3 टैब आते हैं, एक तो प्राइमरी, सोशल और प्रमोशन। इसके अलावा 2 टैब होते हैं और होते हैं फॉर्म, या तो फॉर्म और अपडेट। आई थिंक ये 5 फॉर्म है, आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो अपनी तरीके से। अब बात ये आती है सर इनबॉक्स में, तो हमें समझ में आता है कि जितने हमें ईमेल प्राप्त हो रहे हैं वो सारे इनबॉक्स में आएंगे, लेकिन इनबॉक्स में ये प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन क्या है ये बता दीजिए। प्राइमरी वो कैटेगरी होती है जहां पर पर्सन टू पर्सन, यानी किसी पर्सन ने अगर आपको ईमेल भेजा है, इंडिविजुअल पर्सन, जो पर्सन हो, ईमेल आईडी आपको पता चल जाता है जब ईमेल आईडी क्रिएट करते हो, तो आप कंपनी के लिए कर रहे हो या इंडिविजुअली यूज कर रहे हो, तो वहां से डिफाइन होता है। तो पर्सन टू पर्सन मेल आएगा, प्राइमरी में आएगा। सोशल यानी सोशल, जितनी भी आपने अपनी ईमेल आईडी को जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से कनेक्ट किया है, जैसे आपने फेसबुक में डाला है तो फेसबुक का जो भी अपडेट आएगा वो आपके सोशल कैटेगरी में जाएगा, सोशल टैब में जाएगा। नेक्स्ट आपका जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब भी सोशल मीडिया है, वहां पर अगर आपने ईमेल अपडेट किया है तो वहां पर भी जो जितने भी अपडेट्स आएंगे वो सोशल कैटेगरी में आएंगे। प्रमोशन जो कि डिफॉल्ट होता है, मतलब 3 डिफॉल्ट आते हैं, तो बचे हुए जितने भी मेल्स होंगे मार्केटिंग के हो गए, या फिर आपका सैलरी अपडेट हो गया, जो भी अपडेट होगा वो सारे इसी में जाएंगे। लेकिन जब आप 2 कैटेगरी और डिफाइन कर देते हो, फॉर्म और अपडेट, तो वहां पर डिफाइन हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अगर ईमेल आपने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में लगाई, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो, उसका मेल किस पे आएगा, तो वो आपके प्रमोशन में जाएगा, या फिर अपडेट कर देते तो अपडेट में जाता। तो डिपेंड करता है आपने अपने इनबॉक्स की कितने टैब्स, कितने कैटेगरी डिफाइन की है। यानी प्राइमरी में पर्सन टू पर्सन, और जितने भी सोशल मीडिया हैं वो सोशल में आ जाएंगे, और बचे कुछ मेल वो प्रमोशन या फिर अदर और आपने लगा दिए तो वहां पर जाएंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? तो आप अगर कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू ईयर कंपोज, यानी जब भी आपको नया मेल भेजना है तो कहां से भेजोगे, वो टर्म क्या है, वो कमांड क्या है, कहां पर क्लिक करोगे, तो वो न्यू या कंपोज पर करते हैं। न्यू मेल भेजने के लिए रिप्लाई, आए हुए मेल को अगर आपको जवाब देना है, भेजन मतलब आपको यस नो जो भी भेजना है, तो रिप्लाई कमेंट, जो रिप्लाई टर्म होता है उसका यूज करते हैं। फॉरवर्ड यानी कोई मेल आया, आपको लग रहा है कि ये ज्यादा हेल्पफुल है, बाकी को साथ भी शेयर करना चाहिए, तो उसे आप फॉरवर्ड करोगे। आप ये फेसबुक और व्हाट्सएप में दोनों टर्म का बहुत आसानी से यूज कर लिया है आपने। नेक्स्ट है सेंड। सेंड वो प्लेस होता है जहां पर आपने जितने भी मेल्स भेजे हैं वो सेंड में जाते हैं, आपको मेल आए हैं वो इनबॉक्स में जाती है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट वो प्लेस होता है जहां पर आपने जैसे कोई मेल लिखा, मेल लिखते समय आपने सोचा कि मुझे भेजना नहीं है, आप जब तक लिख रहे हो वो मेल कहां पर सेव है, ड्राफ्ट डायलॉग बॉक्स में, ड्राफ्ट जो आपका लेबल होता है, ड्राफ्ट जो फोल्डर होता है वहां पर सेव होता है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब जैसे सबको कोई चीज आपको इंपॉर्टेंट, फेवरेट लगानी है, जिसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसे आप स्टार्ट में स्टार कर सकते हो। स्टार साइन आता है आपका येलो कलर, आप जैसे ही फिल कर देते तो येलो फिल हो जाता है उस पर्टिकुलर मेल के सामने।
नेक्स्ट आपका स्पैम, स्पैम आप सभी को पता है अनवांटेड मेल स्पैम कैटेगरी में जाते हैं, जो हम चाहते भी नहीं है। फिर मार्केटिंग टाइप के जितने भी मतलब फ्रॉड टाइप के बोला जाता है वो सभी इसी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट, ट्रस्ट वो टर्म होता है जहां पर डिलीट किए हुए मेल स्टोर रहते हैं, जैसे हमारे विंडोज में रिसाइकल बिन होता है ना, उसी फॉर्म में जीमेल में ट्रैस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका इंसर्ट, इंसर्ट जब आप कंपोज करते हो, न्यू करते हो, तो वहां पे एक टर्म होता है इंसर्ट। अब इंसर्ट से कोई ऑब्जेक्ट, आपको पता है इंसर्ट में कौन कौन से आप किसी पर्टिकुलर इमेज को इंसर्ट करा सकते हो, किसी लिंक को इंसर्ट करा सकते हो, किसी वीडियो को इंसर्ट करा सकते हो, किसी फोल्डर को इंसर्ट करा सकते हो। फोल्डर इंसर्ट में नहीं आएगा, वो अटैचमेंट में चला जाएगा, और आपका ऑडियो हो गया वो इंसर्ट में आ जाएगा। यानी छोटी चीज, अगर आपको थोड़ा सा मतलब नंबर ऑफ चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो अटैचमेंट में जाओगे, जहां पर फोल्डर आ जाएगा, जिप फाइल आ जाएगी, वो यहां पर रहता है। नेक्स्ट आपका लेबल, लेबल जस्ट लाइक एक फोल्डर होता है, जैसे आपके विंडोज में जो फोल्डर्स होते हैं ना, उसी प्रकार जो लेबल होता है वो फोल्डर टर्म के लिए यूज होता है। जैसे डॉस में डायरेक्टरी होता है, आपके विंडोज में फोल्डर, जैसे स्पैम एक फोल्डर है, यहां पर अनवांटेड मेल रखे जाते हैं। ट्रैश एक लेबल है, लेबल है जहां पर डिलीट की हुई मेल रहती है। इनबॉक्स क्या है, एक लेबल है जहां पर आए हुए मेल रहते हैं। तो लेबल जस्ट लाइक एक फोल्डर होता है जीमेल में। नेक्स्ट आपका चैट्स, आप सभी को चैट करना है, आप चैट टेक्स्ट या वीडियो दोनों करना चाहते हो दोनों कर सकते हो, चॉइस है आपकी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो टर्म होता है जहां से आपको ईमेल डिफाइन होता है। अगर आपने कोई ईमेल किया तो आपने जो सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट वो कंटेंट होता है, वो मैसेज होता है जहां से आप जो रेसिपिएंट है वो ये पता लगा सकता है उसको देखते कि ये ईमेल का अबाउट क्या है, किसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट आपका कॉन्टेक्ट एंड एड्रेसेस का, सभी को पता है कॉन्टेक्ट यानी जब आप मेल करते हो तो सारे एड्रेस कहां पे जाते हैं, कॉन्टेक्ट में जाएंगे। क्लियर है। तो जीमेल की जितनी भी टर्मोलॉजीज हैं आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, नहीं आई है वैसे तो मोस्टली आ ही गई है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बहुत आसान भी है, ब्रीफ में सारी चीजें डिफाइन की है। नेक्स्ट आप टाइप्स के बारे में, यानी अब जीमेल के नहीं, अब जो ईमेल्स हम पढ़ रहे थे, ईमेल के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं वो देखते हैं। अगर टाइप्स की बात करो, पहला है वेब बेस्ड टाइप, जो वेब बेस्ड जो आप यूज करते हो, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस यूज करते हो वो उस टाइप के। नेक्स्ट का पीओपी, यानी पीओपी आप समझते हो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी जब आप मेल भेजते हो, मेल भेजते हो तो पर्टिकुलर उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे, वहीं रखा जाता है। एंड आई एम ए पी यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसमें क्या होता है आप ईमेल जैसे किस वे में एक्सेस करना है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें इसी में रखी जाती हैं। नेक्स्ट टाइप होता है एम ए पी आई ईमेल सर्वर, मतलब ईमेल सर्वर, तो ये ईमेल के पर्टिकुलर टाइप होती हैं। जैसे आपने जो आउटलुक एक्सप्रेस यूज करते हो वो वेब बेस्ड में रखा जाता है, पीओपी आपको पता है जो पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे ईमेल के वहां पे पढ़ेंगे, अभी ईमेल के बारे में हम जान रहे हैं। तो आई थिंक ये चीजें आपकी क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईमेल जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या समस्याएं हमें आती है, क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या इशूज है, एक बार उनको भी जान लेते हैं। इशूज की बात करें, पहला है आपका अटैचमेंट साइज लिमिटेशन, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर फाइल को अटैच करते हैं तो वहां पर जो साइज होता है उसकी कुछ लिमिट होती है, जैसे 25 MB तक आप जीमेल की फाइल में एम्बेड करा सकते हो। अगर आपने 25 से ज्यादा गया तो क्या होगा, वो फाइल गूगल ड्राइव से अटैच हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, जो आप अटैच करते हो, जो आप मेल कर सकते हो, मेल करने में जो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, आप सभी को पता है कौन कौन से, मल्टीमीडिया के सारे ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो सिर्फ एनिमेशन को छोड़कर। यानी मल्टीमीडिया में 5 ऑब्जेक्ट होते हैं, आपका पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन। एनिमेशन एक अगर फाइल होगी तो लगा सकते हैं, एनिमेशन यहाँ पर लगता नहीं है, लेकिन चारों ऑब्जेक्ट को आप इस पर्टिकुलर ईमेल के द्वारा ट्रांसफर या फिर रिसीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब मैसेज ज्यादा हो जाती है तो वहां पर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट आपका स्पैम, यानी काफी प्रकार के स्पैम अनवांटेड मेल आ जाते हैं, जिसके कारण हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे साथ फ्रॉड होने का भी चांसेस रहता है। नेक्स्ट आपका मेलवेयर, कुछ मार्केटिंग टर्म ऐसे होते हैं जहां से ये डिफाइन हो जाता है कि हाँ ये मेल अच्छा है। मेलवेयर जस्ट आई का एक वायरस टाइप की कैटेगरी है।
नेक्स्ट आपका ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है ये भी आपको समझना है। नेक्स्ट पहले हम समझते हैं ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, जब हम किसी मेंबर को मेल भेजते हैं तो कुछ ऐसा कंटेंट लिखते हैं जिससे व्यक्ति क्या हो, अट्रैक्ट हो उस कंटेंट को देखकर कि हाँ ये यूजफुल है। जैसे मैंने एक मैसेज भेजा कि इस लिंक पर क्लिक करो और 3 महीने का रिचार्ज फ्री पाओ, तो वो ईमेल स्पूफिंग में जाएगा। यानी ऐसा जहां से आपके साथ फिशिंग किया जा रहा है, स्पैमिंग की जा रही है, तो वहां पर इस ईमेल स्पूफिंग में जाएगा, यानी फ्रॉड टाइप का। ईमेल वर्मिंग क्या होता है, यानी एक ही एड्रेस पे लार्ज नंबर ऑफ मैसेज करना ईमेल वर्मिंग कहलाता है। प्राइवेसी कंसर्न, आप सभी को पता है प्राइवेसी का हर जगह इशू रहता है, तो ये कॉमन सा एक इशू है जो चाहे हर जगह मिल जाएगा आपको। फ्लैमिंग, फ्लैमिंग क्या होता है, फ्लैमिंग वो ईमेल का टर्म है जैसे आपने किसी को ईमेल किया तो ईमेल के कंटेंट से जो रेसिपिएंट है वो संतुष्ट नहीं है तो वो एंग्री करेगा, मतलब संतुष्ट नहीं हो, तो वहां पर हम फ्लैमिंग का यूज करते हैं। ईमेल बैंकरप्टिस, बैंकरप्टिस क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं तो जब हम ईमेल पे ईमेल भेजते जा रहे हैं उसका वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई आंसर नहीं कर रहा, तो उसे बैंकरप्टिस बोलते हैं। बैंक, ये टर्म ध्यान रखना, इन सारे टर्म, ये वो टर्म है जो इश्यूज तो लग रहे हैं लेकिन इन सारे टर्म से आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि ईमेल वॉर्मिंग क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, फ्लैमिंग क्या, फ्लैमिंग का यूज हम किसमें करते हैं, ईमेल बैंकरप्टिस क्या होता है। यानी जब हम किसी पर्सन को मेल पे मेल किए जा रहे हैं, मेल पे मेल किए जा रहे हैं, उसका ना कोई रिप्लाई ना कोई आंसर आ रहा है, तो उस कंडीशन को, उस इसी को हम बैंकरप्टिस में रखते हैं। तो आई थिंक इश्यूज आपको क्लियर होंगे, बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल हैं। अब आगे जाएंगे तो आगे है जो फाइल एक्सटेंशन, हर चीज का फाइल एक्सटेंशन आप जहां पे जरूरी होता है वहां पे पढ़ते हैं, तो ईमेल की भी मुझे लगे कि आपके साथ फाइल एक्सटेंशन शेयर करनी चाहिए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले। तो पहला है ईएमएल जो कि ईमेल का फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट आपका ईमेल एक्स होता है और एमएसजी होता है। नेक्स्ट आपका एमबीएक्स होता है। तो ये चार फाइल एक्सटेंशन हम ईमेल में यूज करते हैं। अब इनका यूज कहां पर होता है ये देख लेते हैं। तो पहला है आपका ईएमएल। ईएमएल का यूज हम जनरली जो आउटलुक एक्सप्रेस होता है, जो विंडोज मेल होता है, उसमें हम यूज करते हैं। और इस ईएमएल फाइल फॉर्मेट में हम MIME जो फाइल फॉर्मेट होता है उसका हम यूज करते हैं, जिसमें टेस्ट कंटेंट भी होता है, ऑडियो वीडियो कंटेंट, यानी टेस्ट कंटेंट रखते हैं, प्लान वाला टेस्ट, वो ईएमएल में रखा जाता है। नेक्स्ट आपका ईएमएल एक्स होता है जो कि एप्पल के मेल्स में यूज होता है। मैसेज, मैसेज आप सभी को पता है, मैसेज, मैसेज ये मैसेज टर्म है, अगर इसको फुल फॉर्म करोगे MSG से मैसेज आएगा, इसका यूज हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस में करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईएमएल कर लिया तो ये नहीं होगा, दोनों यूज हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आपका MBX, MBX क्या है, हम ओपन जो ओपेरा होता है या KML होता है, एप्पल होता है, वहां पर MBX का यूज करते हैं। तो ये चार फाइल एक्सटेंशन है जो ईमेल से रिलेटेड है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो ये शेयर कर लिए। तो आई थिंक बहुत ही हमने ईमेल के बारे में काफी कंटेंट समझ लिया है। तो अब बात आती है ईमेल के प्रोटोकॉल्स के बारे में। ईमेल के प्रोटोकॉल को हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ईमेल का प्रोटोकॉल अपने आप में मेजर टॉपिक है। क्लियर है, क्योंकि पहले आपने प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा तो ईमेल प्रोटोकॉल पर कैसे जाओगे। प्रोटोकॉल टर्म अगर मैं डिफाइन करूं तो प्रोटोकॉल जस्ट लाइक एक रूल होता है, रूल्स रेगुलेशन का जो सेट होता है वो प्रोटोकॉल होता है। तो आपको या तो खुद से पढ़ने ये प्रोटोकॉल्स, या फिर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, ऐसी आपकी चॉइस है, आप मुझे बता दीजिएगा मैसेज करके, मैसेज में डिफाइन हो जाएगा कि क्या करना है आगे। नेक्स्ट है, अब जितना भी आपने पढ़ा है ईमेल के बारे में, चाहे तो ईमेल के डेफिनेशन डिफाइन क्यों, ईमेल के इन्वेंटर डिफाइन क्यों, ईमेल के फाइल फॉर्मेट पढ़ो, टाइप्स पढ़े हो, उनके इश्यूज पढ़े, टर्मोलॉजीज पढ़िए, सारी चीजें आपने समझ ली। अब बात है उनको MCQ में कन्वर्ट करने के लिए, MCQ कौन कौन सी है, अगर आपने वो लगा लिए तो कहीं ना कहीं जितना पढ़ा है ना आपने वो समझ जाओगे कि हाँ आपने अच्छे लेवल का पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चंस रखें, चाहे तो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर रिलेवेंट हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वही है जो मैंने स्टार्टिंग में ही टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी व्हाट इज एन ईमेल, ईमेल होता क्या है,
चार ऑप्शन अवेलेबल है। पहला एन इंटैक्ट स्टैंडर्ड, जो हम किसी से आदान प्रदान करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड है, विच अलाउ यूजर अपलोड एंड डाउनलोड फाइल, यानी एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो ये अलाउ करता है कि आप फाइल को कैसे डाउनलोड करोगे, कैसे अपलोड करोगे, ये टर्म डिफाइन नहीं कर रहा। दूसरा है एन ऑनलाइन एरिया, एक ऑनलाइन एरिया है ऑन विच योर यूजर कंजर्व द रिटर्न अबाउट द स्पेशल सब्जेक्ट, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ एनी फाइल फाइल्स मैसेज थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम फाइल और मैसेज को ट्रांसमिशन करने यानी भेजने और रिसीव करने के लिए ईमेल का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। अ रियल टाइम टाइप कन्वर्शन, रियल टाइम नहीं होता, जो आप वॉइस कॉल करते हो, जो व्हाट्सएप करते हो, वीडियो कॉलिंग, वो होता है रियल टाइम, जैसे आपने बोला तुरंत अपडेट हो गया, वो होता है रियल टाइम, ठीक है। देन ऑप्शन पहले क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, काफी स्टूडेंट ने अच्छा आंसर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए, एम आई एम ई जो हमने पढ़ा था ना, ई एम एल फाइल फॉर्मेट में मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन डेवलप वाई डेवलप किया गया, तो इस किसको सपोर्ट करता है, ईमेल मैसेज करने टेक्स्ट एंड ऑडियो फाइल फॉर्मेट को, एफटीपी क्लाइंट को, टेलनेट बिटवीन दो मशीन के, या टेस्ट विद ओनली ईमेल को, बताइए क्या होगा आंसर, क्विकली बता दीजिए, क्विक आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर, क्विक यानी एम आई एम ई जो फाइल फॉर्मेट हमने पढ़ा है, फाइल फॉर्मेट, उसमें कौन कौन से मैसेज कंटेन होते हैं, टेस्ट ऑडियो वीडियो तीनों होते हैं या फिर ओनली टेस्ट होते हैं, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, दो में से आपको कमेंट करना है क्विकली, यानी पहला होगा या फिर चौथा होगा, क्विकली बता दीजिए जब तक मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड, यानी ईमेल क्या है, क्या होता है ईमेल। पहला ऑप्शन है मेल कंजर्विंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेल जो मेल भेजने वाले मेल से संबंधित डिवाइस है, डिवाइस तो है ही नहीं। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन ऑफ लेटर्स मेल और मेमोज, जो मेमोज होते हैं, जो नंबर ऑफ टैक्स ज्यादा हो जाता है मेमोज बोला जाता है, तो पता है लेटर और मेल दोनों को भेजने के लिए यूज करते हैं, सिंगल कंप्यूटर ये तो सिंगल में होगा ही नहीं भाई, ये ट्रांस मनी को भेजते नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्विकली, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर, ईमेल आर रूट टू डिफरेंट ईमेल अकाउंट थ्रू, यानी ईमेल के जो रूट होते हैं, ईमेल जो आप यूज करते हो वो विभिन्न रूट पर जाके विभिन्न अकाउंट के थ्रू भेजे जाते हैं, वहां पर किसका यूज होता है, ईमेल वेब सर्वर का यूज होता है, ईमेल सर्वर का यूज होता है, ब्राउजर है सर्च इंजन का, यानी जब ईमेल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट से भेजे जाते हैं तो वो रूट यूज करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा ईमेल सर्वर के द्वारा। हमने पढ़े हैं ना ईमेल के टाइप, पढ़े थे वेब बेस्ड टाइप, ये सारे टाइप्स पढ़े थे, उसी में आएगा ये। यस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट यूटिलिटी डू यू यूज टू ट्रांसफर फाइल एंड एक्सचेंज मैसेज, यानी फाइल और मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए किस यूटिलिटी, किस फंक्शन का यूज किया जाता है, वेब ब्राउजर्स का, www का, ईमेल का, या हाइपर टेक्स्ट का, आंसर क्या होगा, ईमेल का, किसका, ईमेल का हम यूज करते हैं फाइल और मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए, क्लियर है। यस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आसान है, किस ईमेल को किसने इन्वेंट किया था, कौन है उसके आविष्कारक, तो आपने पढ़ा था रे टॉमलिन है, टॉमलिसन है, रे टॉमलिसन है, ठीक है, पढ़ा था 1971 में, कितने में, कब किया था, 1971 में किया था, क्लियर है। यस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस सेपरेट बाई एन एट द रेट साइन, एड्रेस रेट साइन से जो दो पार्ट ईमेल के होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला ऑप्शन है यूजर नेम और स्ट्रीट एड्रेस, गलत है, यूजर नेम तो होता है, स्ट्रीट एड्रेस नहीं होता। सेकंड है लीगल और फोन नंबर, फोन नंबर का कोई काम ही नहीं है। थर्ड है आपका इनिशियल और पासवर्ड, यानी इनिशियल पासवर्ड, पासवर्ड से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। यूजर नेम और डोमेन नेम, बिल्कुल करेक्ट है, यानी यूजर नेम जो कि लोकल पार्ट होता है और डोमेन नेम जो कि मेल सर्वर का पार्ट होता है, दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है, एट द रेट साइन करना, यानी पढ़ो पहले क्वेश्चन, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन उसके बाद ऑप्शन पढ़ो,
क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर बार बार आप ऑप्शन पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं समझो पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, जीमेल में क्वेश्चन पूछा है, यानी जीमेल में पूछा है क्या है, डैश सेपरेट बाय ईमेल की जो कैटेगरी है, ईमेल जो आपने पढ़ा था प्राइमरी पढ़ा था, प्राइमरी का सोशल प्रमोशन अपडेट्स फॉर्म्स, ये सारे सेपरेट कैटेगरी है, इनको कौन सेपरेट करता है, आइकॉन करता है, लिंक करता है, टैप्स करता है, या सेंडर, सेंडर भेजने वाला होता है भाई, लिंक आप लिंक लगाते हो, आइकॉन या फिर टैप्स पे आ जाओगे। आइकॉन हम विंडोज में यूज करते हैं, टैप्स आपने पढ़ा है, टैप्स यानी ऐसे ही तो बने रहते हैं, आपने जब वेब ब्राउजर किया है तो यहाँ पर टैप्स आते हैं, उसी फॉर्म में अगर आपने जीमेल देखा हो तो जीमेल में यहाँ पर प्राइमरी आता है, यहाँ पर सोशल आता है, यहाँ पर प्रमोशन आता है, ऐसे टैब बने रहते हैं, ठीक है। तो टैब्स के फॉर्म में होता है जो ईमेल की कैटेगरी को डिफाइन करता है, सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंक ईमेल, जब भी ईमेल से क्वेश्चन आएगा, बेसिक यानी ईमेल से क्वेश्चन रखा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिल जाएगा, यानी जंक ईमेल स्पैम होते हैं, अनवांटेड होते हैं, या स्पैम बोले जाते हैं जंक, यानी कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देंगे, कभी क्वेश्चन को ऑप्शन बना देंगे, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्वेश्चन मिल जाता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमेल से ही है, यानी जीमेल में जो टैब आपने पढ़े थे उन टैब से डीप में क्वेश्चन है, यानी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए बिल और स्टेटमेंट का, जितने भी आपके बिल्स हैं, जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं, उनका जो नोटिफिकेशन आता है वो किस कैटेगरी में जाता है, प्राइमरी में, फॉर्म्स में, प्रमोशन में, या फिर अपडेट में। तो प्राइमरी में मैंने आपको बताया था, प्राइमरी में पर्सन टू पर्सन रहता है, बिल और स्टेटमेंट आप सभी को पता है कंपनीज के द्वारा जाता है, तो वो रहेंगे अपडेट में, यानी जितना भी जैसे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके जैसे फेसबुक पर कुछ अपडेट हुआ है या फिर कहीं पर अपडेट हुआ है, तो जैसे फेसबुक तो आपका सोशल में चला जाएगा जो कि है ही नहीं, लेकिन अपडेट हो रहा है, आपके बिल्स अपडेट हो रहे हैं, उनका स्टेटमेंट अपडेट हुआ, उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा क्योंकि ये अपडेट हुआ है, इतना आया, तो आप वहां से समझ जाओगे। नेक्स्ट है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया। तो यानी यहां पर एक बात क्लियर होती है, यानी जितने भी क्वेश्चन थे आज आपने ईमेल के बारे में पूरा पढ़ लिया, ईमेल क्या होता है, इसमें कितने टाइप होते हैं ईमेल के, फाइल एक्सटेंशन, ईमेल के जो एक्सटेंशन है वो क्या होते हैं, ईमेल में कौन कौन से इश्यूज होते हैं, ईमेल की, जीमेल की जो टर्मोलॉजीज है, सारे टर्मोलॉजी समझ लिए, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट एमपी हाई कोर्ट, एमपी पटवारी, एएसआई, एलडीसी, एसआई स्टेनो, ग्रुप टू, सब ग्रुप फोर, ग्रेड थ्री, या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कंप्यूटर का सिलेबस आता है, तो बीएस एकेडमी लॉन्चर मंजिल बैच, इस बैच में उन सारे एग्जाम के सिलेबस को कवर किया जाएगा विद एग्जाम पैटर्न के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो स्टूडेंट सीपीसीटी दिसंबर 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए संकल्प बैच चल रहा है, उसे आप इनरोल कर सकते हैं, इनरोल या फिर कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम सब कुछ आपको दिख रहा है, वहां से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट कर देना, जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने ये वीडियो पहली बार देखा है तो उन स्टूडेंट्स में यही कहना चाहूंगा कि इससे पहले इस एपिसोड, इस सीरीज के दो एपिसोड और हो गए हैं, उन एपिसोड को भी जरूर देख लेना, वहां पर दो टॉपिक्स हमने डिटेल में कवर किए हैं। इसके अलावा ये टॉपिक ऑफ द डे सीरीज का 2.0 वर्जन है, तो यानी इससे पहले एक वर्जन हो गया है, तो उस वर्जन को आप क्या करोगे, वो आपका प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एपिसोड में। थैंक यू, शुक्रिया।